Now time is 1:48 PM in the afternoon and आज का डेट है 8/05/2022 मतलब आज 8 तारीख है 2022 का आज जो महीना है मई का सो अभी थोड़ा फ्यूल अप करना है तो अभी मैं घर से तो निकल गया है एंड ये जो वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ तो मैंने लास्ट वीडियो किया था रात को ऑन 4 तारीख के लास्ट महीने मतलब है लास्ट महीने में मैंने ये जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट किया था एक्चुअली दिस इज सेकंड पार्ट बट मैं एक साथ में रख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा खास बना नहीं था तो आपको एज यूजुअल जैसे आपको पता ही है सो मेरा जो हिमालयन है उसका फर्स्ट लॉन्ग राइड है तो अभी मुझे डालना है पेट्रोल पर जो लाइन दिख रहा है वो तो भयानक है तो चलो कोई बात नहीं पहले मैं फ्यूल अप कर लेता हूँ देन देखते हैं सो ऑलराइट सो फ्यूलिंग कर लिया है सो नाउ टैंक इज फुल तो फर्स्टली मैं बोल देता हूँ सो राइट नाउ ओके सो मेरे राइट साइड में ट्रेन ट्रैक्स है जहाँ से सामान वामान आता है जल्दी निकलना पड़ेगा नहीं तो आगे में एक लाइन है वहाँ में ओह सॉरी सॉरी ये आपका रिफाइनरी का नहीं है एक्चुअली मेरे लेफ्ट साइड में गुवाहाटी रिफाइनरी है सो इसीलिए मैं सोच रहा चलो सो बैक टू द टॉपिक सो मैंने फिल अप कर दिया है टैंकी फुल हो गया 775 का टैंकी फुल हो गया है क्योंकि ऑलरेडी मेरा 50% तो था ही एंड सिंस आई बॉट माई बाइक तब से मैं अपना टैंकी फुल ही रखता हूँ नॉर्मली आई ऑलवेज कीप माई टैंक फुल जो मेरे को पसंद है तो ऑलमोस्ट मेरा ये बाइक लिया हुआ हो गया है अराउंड एक महीना हो गया मैंने लिया था लास्ट महीने के 4 तारीख को अप्रैल के 4 तारीख को लिया था आज हो गया आपका मई का 8 तारीख संडे सो ऑलरेडी मेरा फर्स्ट सर्विसिंग भी हो ही गया है जस्ट अ सेकंड मैं अपना एडजस्ट कर लेता हूँ ओके सो ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज़ अराउंड 753 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ ऑलरेडी मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है तो सर्विसिंग नॉर्मली एज यूजल वही मोबिल चेंज किया जो रॉयल एनफील्ड का है वो मोबिल चेंज किया है एंड ऑयल फिल्टर एंड जो कुछ कंज्यूमेबल्स मैंने यूज़ किया है अराउंड 850 रुपीज़ समथिंग जैसा मेरा कॉस्ट आया तो आप लोगों को शायद दिखाई दिया होगा मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है जो अरे मेरा एक कुछ प्रॉब्लम नाटक चल रहा है पता नहीं क्या हुआ है ये मेरा सेकंड टाइम हो रहा है सडनली मुझे बंद करना पड़ता है लगता है दिखाना पड़ेगा रॉयल एनफील्ड में हाँ इसके बाद फिर से पता नहीं ये क्या बीमारी है सडनली बंद हो जाता है रास्ते में अगर आप सब किसी को अगर पता है ऐसा क्यों होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शंस तो इट विल बी मच हेल्पफुल फॉर मी एक्चुअली ऐसा क्यों होता है तो दिस इज़ माय सेकंड टाइम कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है
थ्रोटल काम नहीं करता है बेसिकली, इंजन तो चलता रहता है बट माय थ्रोटल डज नॉट वर्क। थ्रोटल था, फर्स्ट सर्विसिंग था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि सिंस आई बॉट माय दिस बाइक मैंने ना लॉन्ग ड्राइव पे लेके गया ना कहीं में लेके गया था, जस्ट रेगुलर मैं ऑफिस से आना जाना या डेली के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि चलाना तो है थोड़ा, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में क्या नहीं है, एडवांटेज एडवांटेजेस मुझे तो देखना है, जो देयरफॉर मैं चला रहा हूँ अभी, कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, कंटिन्यू चला ही रहा हूँ, डेली वाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी कुछ दिन बाद, नॉट नाउ, अराउंड 6 महीने का रिव्यू मैं डालूँगा, कोई भी चीज़ 1 महीना यूज़ करके आप क्या अच्छा है क्या ख़राब है आप बोल नहीं सकते हो। तो आप लोग तब तक मेरा जो चैनल है NMB Blogs, आप लोग अगर फेसबुक में देख रहे हो प्लीज़ फॉलो या लाइक बटन दबा दीजिए, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो प्लीज़ क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। और एक बैड न्यूज़ है, आई डोंट नो क्या होगा, जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, कुछ दिन पहले मैंने अपना मोबाइल फॉर्मेट मारा था, मारने के बाद मैं अपना चैनल का पासवर्ड भूल चुका हूँ, सो देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू रिकवर माई पासवर्ड, बट अभी तो मैं कर नहीं पाया हूँ, लेट्स सी, अगर नहीं हुआ है तो आई हैव टू क्रिएट अनदर चैनल। अगर मैं चेंज करता हूँ प्लीज़ मेरा जो नया चैनल है उसमें आप लोग, जैसे प्रीवियस वीडियोस में मुझे आप लोग सपोर्ट किए हो, प्लीज़ डू सपोर्ट मी नाउ। अभी आप लोगों को जैसे मैंने बोला ही है, सो आई एम हेडिंग टूवर्ड सोनापुर, एक्चुअली एक इन्विटेशन है, सो मैं उस इन्विटेशन में जा रहा हूँ, सो साथ में सोच ही लिया, क्योंकि जब से ख़रीदा है कोई तो कुछ तो बोला नहीं है इसका, मुझे अभी तक 1 महीने का एक्सपीरियंस किया, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द रिव्यू, दिस इज़ एक्सपीरियंस कि मुझे अभी तक इस बाइक में अच्छा क्या लगा और ख़राब क्या लगा, बिफोर बाइंग डैट आप लोग, सो डैट आप लोग भी समझ पाओ कि आप लोगों को लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है। तो RDR आई वॉज यूजिंग NS 200 जो है स्ट्रीट फाइटर, तो अभी मैं आ गया हूँ एडवेंचर में, सो दोनों ही कैटेगरी में आपका एडवांटेज एडवांटेजेस है। तो सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को उसे कैसा चलना है, तो अभी हम लोगों को पता है पत्थर कोड़ी पहुँच गया, अभी हम लोगों को लेना है लेफ्ट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं अमसिंह होके, सो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस बहुत सारे वीडियो में देखा ही होगा, हम लोग अमसिंह होके हम लोग सोनापुर निकलते हैं। ओके सो नाउ हम लोग एंटर कर चुके हैं सतगांव आर्मी कैंप, कैंपस है इन लोगों का, आर्मी का एरिया है। ओके सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इन दिस वीडियो इज दैट फ्यू गुड थिंग्स अबाउट दिस हिमालयन एंड फ्यू, मैं बैड थिंग नहीं बोलूँगा क्योंकि ये डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स, इसमें मुझे जो थोड़ा लग सकता था कि कुछ इम्प्रूव और हो सकता है और कुछ अच्छी चीज़, जैसे आप सबको पता है दैट अर्लियर मैंने जो बाइक चलाया है वो तो बहुत सारा है, बट उसमें से जो मैं प्रीवियसली जो चलाया है दैट इज़ माई NS 200 जो है स्ट्रीट फाइटर नेकेड, जो हम लोग सेगमेंट बोलते हैं ना, नेकेड सेगमेंट में है। तो उससे अगर आप डायरेक्टली ओके एडवेंचर में अगर स्विच करते हो, तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट जब स्पोर्ट्स जो बाइक है ना उसमें जो आपको एक्सेलरेशन है, जो आपका पिकअप है, वो इसमें आपको थोड़ा धीमे मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ एडवेंचर, तो डिफरेंस मेजर आपको ये मिलेगा। एंड पहले मैं बता देता हूँ इसमें मेरे को जो जो लगा थोड़ा खामियाँ, फर्स्ट थिंग इज़ दैट जो आगे का जो विंडशील है ना वो कोई भी काम का नहीं है, जो विंड बफेटिंग बोलते हैं जब आप हाई स्पीड पे आप क्रूज करते हो, शायद आप लोगों को शायद हवा लग ही रहा होगा, विंड बफेटिंग बहुत होता है, तो उसके वजह से आपको थोड़ा तकलीफ भी होता है अगर आप हेलमेट के साथ मेरे तरह अगर आप चला रहे हो विथ फुल हेलमेट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप खाली बिना हेलमेट पहले कभी होता है ना आप थोड़ा निकल जाते हो देन आपके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, दैट मीन्स बहुत विंड बफेटिंग है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट गियर आपका इतना स्मूथ नहीं है, अगर आप स्पोर्ट बाइक चलाते हो, नेकेड बाइक चलाते हो जिसमें आपको जो 32 स्मूथ बोलते हैं जो गियर का, वो इसमें नहीं है, इसका जो गियर है वो थोड़ा हायर या लॉन्गर लॉन्ग है, तो आपका ओके
सो आपका जो पैर है आपको पूरा ऊपर उठाना पड़ेगा, तभी वो बटरी स्मूथ आपको वो नहीं मिलेगा। तो गियर्स आर ऑन लॉन्गर साइड या हायर साइड है। एंड थर्ड थिंग, तो मुझे अभी तक इतना वो ख़राब नहीं लगा। मैंने एक डोसेस मैंने यूज़ किया है, अभी तक मैंने इसका जो GPS है वो मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं है। तो आपको पता ही है BS6 में आपका एक नया कंसोल आता है, दिस इज़ फॉर GPS गाइडिंग। जो रॉयल एनफील्ड का जो एप्लीकेशन है, रॉयल एनफील्ड के एप्लीकेशन के कनेक्ट करने से आपको यहाँ में आपको इंडिकेट करता है। तो आई हैव एन यूज़, अगर मैं कभी यूज़ करता हूँ डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कनेक्ट कैसे करना है। कनेक्ट ईजी है, आपको रॉयल एनफील्ड का एप्लीकेशन है वहाँ में आपको लॉगिन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ID पासपोर्ट के साथ आपको लॉगिन करना है, मतलब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस है मैं आपको बाद में बताऊंगा, जस्ट आपको मैं अभी ओवररिव्यू दे रहा हूँ। तो ये है, एंड मेरे को तो एज ऑफ नाउ मेरे को सिर्फ वही दो प्रॉब्लम लगा है, एक है आपका विंडशील्ड और एक है आपका थोड़ा गियर। ये प्रॉब्लम नहीं है, जो एडवेंचर होता है वो एडवेंचर के बाइक के हिसाब से मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। वाह, रास्ता इतना खाली है। एंड थर्ड जो क्या बोले, अच्छा चीज़, अच्छा तो बहुत सारा चीज़ ही है। जो राइडिंग पोजीशन है बहुत कंफर्ट है, अपराइट है। जो सीट्स है, सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, सीट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका पिलियन हो, राइडिंग हो, बहुत मजानेबल है। एंड थर्ड थिंग इज दैट, अगर कभी आपका पिछवाड़ा, जो हम लोग जब बोलते हैं आप लोग समझ लो, पिछवाड़ा अगर आपको बहुत लॉन्ग राइड कर रहे हो, पिछवाड़ा अगर आप लोग को जल रहा है, थोड़ा गर्म हो रहा है, देन आप मेरी तरह ऐसे आप लोग खड़े होके आप लोग चला सकते हो। तो मैं तो कभी कभी खड़े होके भी चला लेता हूँ। एंड एडवेंचरस बाइक का मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप लोग बाइक ड्यूरिंग राइडिंग आपको खड़े होकर चला सकते हो, बट आप एट योर ओन रिस्क। और ऑलवेज बी केयरफुल जहाँ में भी आप थोड़ा इस टाइप का आप स्टंट करते हो। और जिस जिन लोगों का प्रैक्टिस नहीं है, मैं इन सबको मैं सजेशन करूँगा, प्लीज़ आप लोग ये सब घर में मत करो अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि मेरे पास तो प्रैक्टिस है, मेरे पास एक्सपीरियंस है अर्लियर, अब मैंने अपना NS 200 में भी बहुत ऐसा किया है। ये भगवान, इसको देखो आ रहा है। तो फ्यूचर में अगर मेरे को कुछ भी अच्छा लगा बुरा लगा डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा। एंड पेट्रोल बहुत खाता है, क्योंकि 411 का CC का क्यूबिक कैपेसिटी का मैं एक बाइक चला रहा हूँ, डेफिनेटली पेट्रोल तो खाएगा ही। जितना हायर CC होगा इतना आपका पेट्रोल खाएगा। अभी अगर मैं 400 CC का चला रहा हूँ, 1000 CC का चलाऊँगा तो और मेरा जो पेट्रोल कंजम्पशन हाई होगा। तो सबका अपना अपना बजट है, सबका अपना अपना क्या बोलते हैं कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से आप लोग देख लो आप लोग को लेना है नहीं लेना है। पर मेरे हिसाब से वेरी कंफर्ट बाइक है, एंड स्पेशली ऑफ रोड में जहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, फॉर डोस वेरी गुड। और बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ, सिटी में थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाइक का साइज़ भी तो आपको देखना पड़ेगा, सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड वन अनदर थिंग, ट्रैफिक जाम में जब भी मैं रुकता हूँ ना, जो हीट निकलता है, एंड मेरे दोस्त लोग जब भी सामने आता है, ये लोग बोलते हैं लाइक मुझे ऐसा लग रहा है दैट दे आर स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ हीटर। हीट इतना गर्मी होता है, पर मेरे को पैर में तो इतना नहीं लगता है, क्योंकि मेरा जो लेग है थोड़ा साइड होके मैं रखता हूँ। बट अगर आप साइड में खड़े हुए हो तो आपको तो बहुत गर्मी का फील हो जाता है। तो आज का टेम्परेचर अराउंड 35-36 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं सोनापुर का शॉर्टकट ले रहा हूँ, एज यूजल आपको पता ही है मैं इस रास्ते से बहुत बार आया हूँ। अभी अगर मेरे आपको मेरे राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, अभी जो टी है बहुत ग्रीन लग रहा है, बिकॉज अभी बारिश भी गिरा है, एंड इसके वजह से जो कलर ना इन्हेंस हो गया है। एंड अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लुक देयर, जो लोग है ना, दे आर प्लॉकिंग द टी ट्री,
जो टी का जो पत्ता है दे आर प्लकिंग, सो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि अभी बारिश हो रहा है गुवाहाटी में, तो देयर फॉर जो धूल मिट्टी है गंदगी सब निकल गया है, सो एवरी वेयर देयर फॉर दे हैव मार्क्ड, पेड़ में देखिए सब येलो कलर का मार्किंग क्या है, एंड ऊपर में लोग दे आर प्लकिंग द ट्री लीफ। ये रास्ता मुझे बहुत पसंद है एंड रोड भी बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग है। और अभी यहाँ में बहुत सारा KM9 ने यहाँ में अभी बहुत सारा ना आपका रिजॉर्ट टाइप का खुल गया है रिजॉर्ट, पहले यहाँ में कुछ भी नहीं था। अगर मैं बोलूँ 5-10 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे आते थे, इट वॉज टोटली सुनसान, जो बोलते हैं ना सुनसान रास्ता था, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज ओवर द ईयर्स, तो अच्छा है यहाँ का लोकल लोगों के लिए, लोगों को थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, लोगों का लिविंग हुड थोड़ा बेटर हो जाएगा। बट मुझे लगता है साथ में लोगों को ना जो नेचर है ना, नेचर का भी थोड़ा टेक केयर लेना है। मेरा दो मैं दो चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, एक है सेफ राइडिंग एंड ड्राइविंग, एंड है ग्रीन प्लैनेट। मस्त मस्त मज़ा लग रहा है, बढ़िया। तो चलिए आप लोग थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा आगे में मिलेंगे हम लोग। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रहे हो, अगर आप फेसबुक में देख रहे हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में ही देखे आप लोग मुझे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर मैसेजेस एंड आई नॉर्मली डू। लोग पता नहीं लोगों का दिमाग में क्या है, स्कूटी में तीन तीन उठ के आए हैं। हाँ, क्या बोले, अगर बोलने जाएंगे तो अभी झगड़ा हो जाएगा, तो इट्स अबाउट कॉमन सेंस। लुक बिकॉज ऑफ रेन कितना अच्छा लग रहा है, एवरीथिंग हैज़ बिकम ग्रीन एंड दिस इज मी स्टैंडिंग। तो अभी मैं तो पहुंच गया था, पर पता ही तो आप सबको GoPro का बीमारी, GoPro हैंग हो गया फिर से, सो यहाँ में आके मैंने बैटरी चार्ज पे लगा दिया, रिसीट पे डाल दिया है, एंड अभी निकलेंगे थोड़ी देर बाद। एंड मेरे पीछे का व्यू बहुत बढ़िया है, जैसे आप सबको पता है आई लव राइस फील्ड, आई लव जो भी फील्ड हो जहाँ पे कल्टिवेशन होता है। सो अगेन शोइंग, सो दिस इज़ द बढ़िया लग रहा है, उधर में शायद धूप गिर रहा है, तो स्काई इज फुल क्लाउडी, तो एंजॉइंग द टाइम। तो अभी थोड़ी देर बाद निकलते हैं, निकलने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, तो विल अपडेट यू। बाय 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 टाटा बाय बाय टाटा 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 मामा टाटा दिया टाटा टाटा। ओके, सो आज का कार्यक्रम सब खत्म हो गया है, एंड द टाइम अपडेट, सो टाइम इज 5:39 PM इन द आफ्टरनून, तो नाउ वी आर एग्जिटिंग। सो एवरीथिंग बहुत अच्छे से हुआ, खाना पीना खा लिया, सो खाने के बाद हम लोग निकल गए हैं। सो एट दैट टाइम क्या हुआ था, मेरा GoPro तो मर ही गया था, जैसे मैंने आप सब लोगों को बोला था। सो राइट नाउ वी आर इन सोनापुर, तो हम लोग आए थे, हाँ हम लोगों का जो सिस्टर है, सिस्टर के घर में आया था, तो उसका जो बेबी है, बेबी का बेबी शावर था, तो क्योंकि बारिश दिया था, आप लोगों से दिख रहा होगा सब भीड़, सब भीगा हुआ है, सब बारिश दे रहा था, एंड बहुत अच्छा लगा।
सो आज का वीडियो का जो मेन रीज़न था बनाने का रीज़न यही है कि व्हाई डिड आई टेक रॉयल एनफील्ड हिमालयन ओनली। अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक में अगर फॉलो किया है तो आप लोगों को पता होगा आई वॉज ऑलमोस्ट सपोज टू टेक ESD लेने वाला था, ESD एडवेंचर, बट द ट्विस्ट इज दैट मैंने नहीं लिया क्योंकि आफ्टर डूइंग सो मैनी रिसर्च कि जब भी हम लोग कुछ नया लेते हैं ना तो खरीदने के लिए तो खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेन थिंग इज दैट आफ्टर सर्विस, अगर ड्यूरिंग माय राइड अगर कुछ भी होता है, अगर कोई पार्ट्स का शॉर्टेज होता है, पार्ट्स का अगर ज़रूरत होता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारा कंपनी का पार्ट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था एज ऑफ नाउ। KTM एडवेंचर हमने सोचा था बट KTM एडवेंचर एज ऑफ नाउ मेरे लिए थोड़ा बजट से ज़्यादा होता है। सो मैंने जो लिया है अराउंड 2.5 लाख के बजट में तो मुझे बेस्ट वैल्यू फॉर द मनी लगा। बट एक कमी मुझे अभी तक खटक रही है, दैट कमी इज दैट कि इसमें ना अभी तक ट्यूबलेस टायर नहीं है। अगर ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। बट एक आफ्टर मार्केट एक सॉल्यूशन है फॉर ट्यूबलेस का इज दैट हम लोगों को उसमें कुछ काम करवाना पड़ेगा, जो रिम है रिम का काम करना पड़ेगा। सो एंड द बजट ऑफ ट्यूबलेस बनाने का जो प्रोसेस है इसमें अराउंड गुवाहाटी में अराउंड जो कोच है अराउंड 15,000 to 18,000 मैंने पूछा भी था। सो लेट्स होप वो भी कर लेंगे कुछ दिन बाद। एंड ये लेके थोड़ा मुझे राइड भी करना है एंड ऑन रोड ऑफ रोड मैं दोनों ही कर सकता हूँ, देयरफॉर आई टुक दिस। सो दिस इज़ द सोनापुर मार्केट। सो अभी हम लोग को हाईवे मिलने वाला है, वी आर अबाउट टू टच हाईवे। एंड जब भी हम लोग थोड़ा आउटस्कर्ट में आते हैं मतलब आउट ऑफ टाउन, इट फील्स सो ग्रेट। सो अगेन हेडिंग बैक होम क्योंकि ज़्यादा तो कुछ है नहीं। एंड वन मोर अपडेट, सून वी आर स्टार्टिंग आवर राइड। अभी मैं जो जगह है वो मैं खुलासा नहीं करूँगा। अगर आपने मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है, नीचे में आ रहा होगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग फॉलो कर सकते हो। अगर मैं कहीं में भी जाने के लिए अगर कुछ भी मैं प्लानिंग करता हूँ तो आप लोगों को वहीं पर अपडेट मिल जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट टू बी स्टे कनेक्टेड थ्रू माई चैनल और थ्रू माई यूट्यूब पेज, प्लीज़ follow my YouTube channel which is NMB Vlogs, and again same NMB Vlogs is my Facebook and Instagram ID. You can follow me by clicking the link below. So saying that, signing off for today. Same रास्ता वही है, इसलिए और कुछ ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं है, सेम रोड वही है जिस रास्ते से आया था। तो अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनीथिंग प्लीज लेट मी नो in my comments. And signing off for today NMB Vlogs, always ride safe, always wear a good helmet. Till then, sayonara, and it's boom.